हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। बात करेंगे एक और नए टेंस के बारे में। इससे पहले माय डियर, हम लोग पास्ट और प्रेजेंट दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं। इसके अलावा एक हम फ्यूचर इंडेफिनिट जो आपका टेंस है उसको भी कंप्लीट कर चुके हैं। आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस तीनों को यहाँ आज कंप्लीट करेंगे, और जो भी बातें बनती हैं वो तमाम बातें इस सेशन में हम देखने वाले हैं। तो जरा देखिएगा माय डियर, आज जो टॉपिक हमारा रहेगा दैट इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। कौन सा होगा आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस? जो है आज का ये हमारा टॉपिक है, ये हमारा टेंस है, इसी के बारे में जरा आज हम पढ़ेंगे। चलो करते हैं शुरुआत। चलो तो आप पेन कॉपी निकाल लीजिएगा, और टेंस नंबर सेकंड है इसका, जिसका नाम है फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कौन सा है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब जब इस टेंस की बात होती है तो आप सिंपल समझिएगा कि जो स्ट्रक्चर है वो आपका क्या होगा। देखो, स्ट्रक्चर की बात की तो सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद आपको वही विल और सेल, विल और सेल दिया जाएगा। विल सेल के बाद क्या आएगा? बी आएगा। बी के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा, देन ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या आ जाएगा? फुल स्टॉप आ जाएगा। तो हमारा ये जो है बेसिक स्ट्रक्चर बन जाएगा। इसमें दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि आप इसका पता कैसे करोगे, उसके लिए एक चीज तो ये ध्यान रखो कि अगर आपको एट दिस टाइम, थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट, एट दिस मोमेंट के साथ अगर फ्यूचर टाइम एडवर्ब दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए? फ्यूचर टाइम एडवर्ब अगर आपको दे दिया जाए तो आप लोग जो टेंस है वो कौन सा करोगे? फ्यूचर इंडेफिनिट करोगे। ठीक है भाई, चलो ठीक है, कि आप चीज को यहां, आप लोगों को यहां बात ध्यान रखनी है। चलिए, है ना, एक सेंटेंस मैं आपको लेता हूं। यहां पे मैंने लिखा सी डैश, है ना, डिनर एट दिस टाइम टुमारो। ये सेंटेंस है आपका। तो अब आप इसमें क्या फिल करोगे, क्योंकि आपको एट दिस टाइम तो दिया ही गया है, एट दिस टाइम तो यहां दिया गया है, टुमारो यहां लगा हुआ है, तो कुक का क्या हो जाएगा? विल बी कुकिंग, क्या हो जाएगा आपका? विल बी कुकिंग जो है वो आप लोगों का बिल्कुल सही आंसर बनेगा। ठीक है, ये हो गया आपका। चलो एक इसमें नोट डालेंगे, उस नोट के माध्यम से आपका, आपकी जो बात है वो पूरी हो जाएगी भाई, है ना। देखो जरा, चलो मेरे साथ साथ लिखते रहो आप। देखो, इस टेंस का यूज, इस टेंस का यूज फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर, फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कोई
काम जारी रहेगा को बताने के लिए किया जाता है, को बताने के लिए, को बताने के लिए किया जाता है, को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, इस टेंस का यूज फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कोई काम जारी रहेगा को बताने के लिए किया जाता है। अब इसके लिए आप क्या करोगे, यहां पे देखो दो चीजें हुई हमारे पास, फ्यूचर का निश्चित समय, फ्यूचर का निश्चित समय आप इसे किससे बताओगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और ई एस से, ठीक है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट से, और फ्यूचर में जारी काम फ्यूचर में जो काम जारी रहेगा उसके लिए आप क्या करोगे, विल सेल बी और वर्ब का क्या लगा दोगे, फोर्थ फॉर्म लगा दोगे। तो ये बेसिक जो स्ट्रक्चर है ना वो इस तरीके का यहां बन जाएगा आप लोगों का। बात आई समझ में? चलो अब बढ़े आगे, और अब जरा देखो आप कुछ सेंटेंसेस लेते हैं हम, जैसे कि सी डैश है ना, इंग्लिश व्हेन आई रीच होम है ना, जब मैं घर पहुंचूंगा, तो वह क्या कर रही होगी, पढ़ रही होगी, इस बात की संभावना है। तो सी विल बी स्टडिंग, हम यहां कर देंगे है ना, इस तरीके का। इसमें यह ध्यान रखना है ना, यहां हम थोड़ा सा इसमें चेंज करते हैं, देखो एक बार, ताकि आप भी कंफ्यूजन में नहीं पड़ोगे, थोड़ा सा चेंज करूंगा मैं। देखो कोई काम जारी रहेगा कि है ना, एक मिनट कलर वही लेते हैं, संभावना बताने के लिए किया जाता है, संभावना होती है ना इसमें, संभावना बताने के लिए किया जाता है, के लिए किया जाता है, कि संभावना बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब आप जरा देखो, तो यहां संभावना आपने बता दी कि पढ़ रही होगी है ना, और सी या हमने लिखा कि दे है ना, विजिट द मालदीव्स, मालदीव्स एट दिस टाइम, और फिर दे दिया नेक्स्ट मंथ। तो पिछला जो मैंने रूल बताया था उसके अकॉर्डिंग कर दो इसको, क्या हो जाएगा, विल बी विजिटिंग क्या हो जाएगा आपका, विल बी विजिटिंग हो जाएगा, जैसे वी डैश प्ले क्रिकेट व्हेन यू अराइव, जब तुम पहुंचोगे उस समय हम क्या कर रहे होंगे, वी शैल बी प्लेइंग, क्रिकेट खेल रहे होंगे, इस बात की संभावना है
तो आप जनरल वे में सिंपल तरीके से ये समझो कि यहाँ आप फ्यूचर में जब कोई निश्चित समय होता है, आप ये याद रखो कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दे रखा होता है, तो सामने वाले क्लॉज में आप लोगों को फ्यूचर भरना है। अब वो आपके ऊपर डिसाइड करेगा, काम जारी था, काम पूरा हो गया था, या उसमें टाइम से संबंधित बातें दी गई थी। जैसे जैसे हम इसके टेंस कंप्लीट करेंगे, इसका कॉन्सेप्ट जो है बारीकी से आपके सामने आएगा और वो क्लियर होता रहेगा। जैसे अब हम बढ़ते हैं आगे, और अब हम बात कर रहे हैं किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की, है ना, ज्यादा बड़े नहीं है, फ्यूचर परफेक्ट। अब हम यहां बात कर रहे हैं किसकी, फ्यूचर परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। देखो जब भी परफेक्ट की बात होती है, मैंने बार बार आप लोगों को एक ही बात समझाई है कि ये कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, किसको बताता है, कंप्लीटेड एक्शन को बताता है, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो भी जरा आप समझ लो। यहां सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट के बाद विल आएगा, सेल आएगा, हैव आएगा, थर्ड फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप होगा। यह आपका यहां क्या बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा। यह आपका क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो है ये आप लोगों का स्ट्रक्चर बन जाएगा, हैव प्लस थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसमें सबसे पहले हम नोट डालेंगे, नोट के माध्यम से ही बात हमें समझ में आएगी, और नोट क्या है वो आप जरा समझो। इस टेंस का यूज फ्यूचर में किसी निश्चित समय पर कोई काम पूरा हो जाएगा कि संभावना को बताने के लिए किया जाता है, को बताने के लिए किया जाता है। को बताने के लिए किया जाता है, ठीक है। यानी आपको निश्चित समय दिया जाएगा और वहां तक काम पूरा हो जाएगा, इस बात की क्या है, संभावना है, उसको बताने के लिए आप इस टेंस का जो है वो आप यूज करते हो। तो इसमें भी वही दो बातें हैं जो हमने लास्ट में देखी थी, एक तो फ्यूचर का निश्चित समय, तो उसके लिए तो आपको टेंस कौन सा इस्तेमाल करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, है ना। और दूसरा हमने देखा फ्यूचर में पूर्ण काम, तो उसके लिए आप किसका यूज करोगे, हैड प्लस सॉरी विल हैव, विल या सेल हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करोगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक बात और, यहां फिक्स्ड टाइम बताने के लिए फ्यूचर का फिक्स्ड टाइम या पॉइंट ऑफ टाइम या निश्चित समय बताने के लिए आप बाई का यूज कर लेते हो, और बाई के साथ आप पॉइंट ऑफ टाइम लगा देते हो। बाई के साथ क्या लगा देते हो, आप पॉइंट ऑफ टाइम लगा देते हो। जैसे आप यहां कर देते हो क्या, बाई मंडे, तो सोमवार तक, यहां बाई का हिंदी मीनिंग क्या होता है, तक के अर्थ में, है ना, बाई मंडे, बाय मार्च लिख दिया आपने, है ना,
इसके अलावा आपने लिख दिया बाय एन पी एम, बाय 9 AM, है ना, बाय द एंड ऑफ द मंथ, है ना, बाय द नेक्स्ट ईयर। तो ऐसे अगर आप कुछ फ्रेजेस यूज करते हो तो इनके साथ भी आप लोगों को क्या यूज करना है, फ्यूचर परफेक्ट यूज करना है, क्योंकि ये भी फ्यूचर में निश्चित समय की बात कर लेते हैं। अब हम इनसे एग्जांपल्स जरा देखते हैं, एग्जांपल्स किस तरीके के होंगे। पहले देखो, एक बड़ा कॉमन सा सेंटेंस है, मैंने यहाँ लिखा कि द ट्रेन, है ना, लीव, है ना, बिफोर आई रीच द स्टेशन, ये हमारा एक सेंटेंस है। अब बच्चे अक्सर इसमें गलती कर देते हैं, क्योंकि उनको तो वो एक हैबिचुअल एक्शन के शिकार हैं कि अगर आफ्टर बिफोर आए तो फिर हमको तो टेंस जो है वो पास्ट ही लगाना, ऐसा नहीं है। यहाँ आप नजर डालो, यहाँ क्या आया हुआ है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आया हुआ है और ये फ्यूचर के फिक्स्ड टाइम को बता रहा है। इसका हिंदी मीनिंग होगा कि मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले ट्रेन जो है वो जा चुकी होगी, इस बात की क्या है संभावना है। तो आप हमेशा ध्यान रखना, यहाँ आपको फिर विल हैव के बाद में लेफ्ट का यूज आपको करना है, है ना, या फिर ऐसे दिया जाएगा कि ही, है ना, डैश कंप्लीट, है ना, द वर्क बाय द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत तक वो ये काम खत्म कर चुका होगा, संभावना है। तो भी आप किसका यूज करोगे, ही के साथ विल का यूज किया आपने, विल के साथ हैव लगाया और हैव के साथ क्या कर दिया, कंप्लीटेड कर दिया। यू भी यूज हो सकता है, है ना, माय मदर, है ना, रीच होम बाय 10 o'clock। तो इस कंडीशन में भी आप वही करोगे, यानी कर दोगे यहां विल, हैव और क्या हो जाएगा आपका, रीच्ड हो जाएगा। सेंटेंसेस तो और भी देख सकते हो आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैंने कहा कि सी, है ना, डैश हर ग्रेजुएशन बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, ठीक है। तो यहां आप लोग क्या करोगे, सेम कंडीशन अब वही अप्लाई करनी है आपको, सी के साथ विल, विल के साथ क्या आ जाएगा, हैव, और डू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, डन होता है। एक सेंटेंस और भी आप देख लो, जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। जैसे कि वी डैश मेक इट रेडी बिफोर द चीफ गेस्ट अराइव, यानी मुख्य अतिथि के आने से पहले हम इस चीज को तैयार कर चुके होंगे, संभावना है। तो वी सेल हैव मेड, है ना, यानी जब गेस्ट आएगा
तब तक ये काम जो है पूरा हो चुका होगा, यानी फ्यूचर के किसी निश्चित समय पर कोई काम पूर्ण हो जाएगा इस बात की संभावना फ्यूचर परफेक्ट में दी जाती है, और पास्ट के किसी निश्चित समय पे काम पूरा हो जाएगा इस बात की संभावना आपको पास्ट परफेक्ट में दी जाती है, और कहते समय अगर काम कंप्लीट हो जाएगा तो फिर वो प्रेजेंट परफेक्ट है। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लिंक टू लिंक आप लोगों को ध्यान रखना है, चीजें आसान हो जाएंगी, बस आप लोग कॉन्सेप्ट को पूरा रखो। तो ये आपके परफेक्ट हो गया। अब इसका एक टेंस और बचा है, उसको हम जरा देखते हैं, यानी फोर्थ नंबर का टेंस है आपका, और दैट इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, चलो सबसे पहले तो इसका स्ट्रक्चर देख लो आप, स्ट्रक्चर क्या होगा। तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो स्ट्रक्चर में आपका सब्जेक्ट आता है, सब्जेक्ट आता है विल, और सेल का यूज हम करेंगे, सेल के बाद क्या आएगा, हैव आएगा, हैव के बाद बिन आएगा, बिन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आ जाएगा, देन ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और फिर आप सिंस और फोर का यूज करोगे, और फिर आप किसका यूज करोगे, टाइम का, और उसके बाद आप फुल स्टॉप जो है यहाँ लगा दोगे। तो ये आपका स्ट्रक्चर बनेगा। अब स्ट्रक्चर तो आपने सभी टेंसेज के देख लिए, तो इसमें अब आपको ज्यादा कंफ्यूजन रहा नहीं है। इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि अगर आपको ऑल द टाइम या ऑल द टाइम हो गया, ऑल द नाइट हो गया, है ना, ऑल द डे हो गया, ऑल द मॉर्निंग हो गया, ठीक है, इनके साथ में अगर फ्यूचर टाइम एडवर्ब दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, फ्यूचर टाइम एडवर्ब दे दिया जाए, तो भी टेंस आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस जो है वो आपका हो जाता है। ठीक है ना, क्या हो जाता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। जैसे हमको दे दिया किसी, है ना, डैश रीडिंग अ नोवेल फॉर, या नोवेल ऑल द टाइम या ऑल द नाइट, है ना, और फिर आपको दे दिया क्या, टुमारो। तो अब आप लोग क्या करोगे, इसमें यहां जाओगे आप और विल, हैव, बिन और रीड का क्या हो जाएगा, रीडिंग करोगे, क्योंकि ये ऑल द नाइट है ना, ये तो आपके परफेक्ट कंटिन्यूअस को बता रहा है, और टुमारो जो है वो आपके फ्यूचर की बात कर रहा है। तो आपका कुल मिला के टेंस आपका कौन सा हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब इसमें एक नोट डालो आप, देखो नोट आपका क्या है, इस टेंस का यूज फ्यूचर में किसी निश्चित समय से पहले कोई काम शुरू होता है वह निश्चित समय पर जारी रहता है कि
संभावना बताने के लिए किया जाता है, को बताने के लिए किया जाता है, को बताने के लिए किया जाता है। अब दो ही बातें हैं, देखो यहां उसके लिए आप डायग्राम जरा समझो। ये आपका प्रेजेंट है, ये आपका पास्ट है और ये आपका फ्यूचर है। अभी हमारा पास्ट से तो कोई लेना देना है नहीं है, तो एक तो आप प्रेजेंट की बात रखो यहां पे, है ना, और ये आप यहां मैंने पास्ट लिख दिया और ये आपका फ्यूचर हो गया। जैसा हमने नोट में पढ़ा, हमने कहा कि सबसे पहले तो आपको प्रेजेंट में खड़े होकर ये तो बताना होगा कि हम जो बात कर रहे हैं वो टाइम फ्यूचर का है। तो सबसे पहले आप लोगों को किसकी बात करनी होगी, यहां से बोलोगे आप सीधे पॉइंट यहां की बात करोगे, तो इस पॉइंट को बताने के लिए आप यूज करोगे किसका, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में एस और यस का, जिससे फ्यूचर का फिक्स्ड टाइम पता लगेगा। अब यहां एक ऐसा एक्शन जारी है जो शुरू कब हुआ है, यहां यानी प्री फ्यूचर में वो शुरू हुआ और इस समय पे वो क्या है, जारी, यानी यह काम यहां से शुरू हुआ और यहां काम जारी है। तो सबसे पहले तो आप इस पॉइंट के लिए बात करोगे, फिर इस एक्शन के लिए करोगे। तो इस एक्शन के लिए आप किसका यूज करोगे, विल का, शैल का, इसके साथ क्या आएगा आपका, हैव आएगा, हैव के बाद बिन आएगा और बिन के बाद वर्ब का फोर्थ फॉर्म आएगा। तो आप इन दोनों चीजों को यहां कंबाइन में समझेंगे तो ही बात आपको समझ में आएगी। फ्यूचर का निश्चित समय मैं आपको कितनी बार बता चुका हूं कि वहां आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगाना है, उसके अलावा और कोई टेंस इसके बारे में नहीं बताएगा, सिंपल सी कहानी है। अब जैसे ये सेंटेंस हमको दिया, जैसे मैंने एक बड़ा सिंपल सा सेंटेंस लिया कि ही, ठीक है, डैश स्टडी फॉर 3 आवर्स, है ना, वेन आई रीच होम, मैं जब घर पहुंचूंगा तो वह 3 घंटे से पढ़ रहा होगा, संभावना है। तो सपोज करो कि जैसे अभी कोई पर्टिकुलर टाइम है, आपने एक टाइम दे दिया कि मैं घर पहुंचूंगा शाम को 10 बजे, तो वो पढ़ना उसने शुरू कब कर दिया, यानी आने वाले टाइम पे जब आप 10 बजे पहुंचोगे तो 3 घंटे पहले, यानी कि उसने 7 बजे जो है वो पढ़ना शुरू कर दिया, तो प्री फ्यूचर में काम शुरू हुआ। फ्यूचर में जब आप एक्शन के बारे में बात कर रहे हो तो एक्शन जारी है, तो फिर इस कंडीशन में आप हमेशा ध्यान रखना आप करोगे विल, है ना, हैव और बिन और स्टडिंग, और क्या हो जाएगा, स्टडिंग हो जाएगा। तो ही विल हैव बीन स्टडिंग फॉर 3 आवर्स व्हेन आई रीच होम। अब सेंटेंसेस आप कितने भी इससे बना सकते हो, कॉन्सेप्ट आपका सेम ही रहने वाला है। जैसे हमने दूसरा लिया कि सी डैश वर्क ऑन हर प्रोजेक्ट फॉर 3 इयर्स, है ना, या फॉर 3 आवर्स करो इसको, या आप इसको सिंस मॉर्निंग कर लो, 4 का तो हमने देख लिया था ना, सिंस मॉर्निंग व्हेन ही मीट सहर, है ना, तो जब वह उससे मिलेगा तो वो सुबह से प्रोजेक्ट पे काम कर रही होगी। तो यहां भी आप कर दोगे विल, हैव और बिन, और वर्क का क्या हो जाएगा आपका, वर्किंग हो जाएगा, ठीक है। तो टेंस आपका क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है आपका यहां हो जाएगा। चलो और सेंटेंस आप देख लो, जैसे दे डैश प्ले क्रिकेट फॉर, है ना,
फोर आवर्स है ना बिफोर वी रीच द स्टेडियम, यानी हमारे स्टेडियम पहुंचने से पहले वो चार घंटे से क्रिकेट खेल रहे होंगे इस बात की संभावना है। तो आप यहां क्या कर दोगे, दे विल हैव बिन प्लेइंग, दे विल हैव बिन प्लेइंग, ये आपका जो है यहां आंसर ठीक हो जाएगा। अब एग्जाम्पल्स तो आप चाहें कितने भी यहाँ यूज कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आपको ये जो जितनी भी बातें मैंने बताई हैं ना, तीन टेंस हमने इसमें पढ़े हैं, तीनों से रिलेटेड जितनी भी बातें मैंने आप लोगों को यहाँ समझाई है वो बात आपको प्रॉपर समझ में आ जानी चाहिए। यानी एक तो आप यहाँ हमेशा यही बात ध्यान रखोगे कि फ्यूचर का कोई निश्चित समय पर काम जारी है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस, काम पूरा हो चुका है तो फिर फ्यूचर परफेक्ट, और समय दे रखा है और काम जारी है कि इतने घंटे से चल रहा है तो फिर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आप करोगे। सिंपल सा फंडा है, आप इसमें फ्यूचर के निश्चित समय को वरीयता देनी पड़ेगी, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको ये टेंस जो है ये समझना पड़ेगा। मुझे तो आशा है कि आप लोगों को इसका सेकेंड पार्ट यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस कंप्लीट मैंने आपको समझा दिया, इसमें कौन कौन सी बातें, नोट जो है ना वो हमारा वही बात काम की है। इसके बाद हमने ये परफेक्ट, ये फ्यूचर परफेक्ट देख लिया, और उसके बाद जो हमने बात की है वो हमारे किसकी है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात जो है वो हमने कर लिया। तो टेंस जो टॉपिक आपका है वो फाइनली आज कंप्लीट होता है। अब इसके एमसीक्यूज और डिफरेंट टाइप्स के जो क्वेश्चंस बनते हैं है ना, उन पर हम नज़र डालेंगे, उनकी चर्चा करेंगे। अब आपका एग्जाम चाहे कोई भी हो, आपके लिए ये टेंस सफिशेंट है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी करो, किसी भी पीसीएस एग्जाम की तैयारी करो, एसएससी की तैयारी, बैंक की तैयारी, एनडीए की तैयारी, सीडीएस की तैयारी, डिफेंस एग्जाम्स की तैयारी, इसके बाहर मैं 100% कॉन्फिडेंट होकर ये बोल रहा हूँ कि सिंगल क्वेश्चन टेंस का बाहर नहीं जाएगा। आपको अगर समझ नहीं आता है तो वीडियो को बार बार आपको देखना है ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, ये टॉपिक इसके एमसीक्यू, जिसके बाद इसी से एक कनेक्टेड टॉपिक है आपका कंडीशनल सेंटेंसेज, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे और उसमें भी आपके इस टेंस का कुछ बात होती है तो उसको मैं डेफिनेटली आपको पूर्णता कंप्लीट करवाऊंगा ताकि यहां से जुड़कर वहां जब आप कोई क्वेश्चन करो तो आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो। खैर, ये सेशन आप लोगों का यहीं होता है कंप्लीट, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच।